हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपके पास एक नया टीवी है और आपने भी आई फॉल्कन का टीवी लिया है, 32 इंची, 24 इंची, या फिर 43 इंची, या फिर 55 इंची, तो आप उस एलईडी टीवी में सेट टॉप बॉक्स किस प्रकार चला सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे एरा हमारे पास सेट टॉप बॉक्स है, तो आप इस सेट टॉप बॉक्स एरा हमारे पास MPG 2 सेट टॉप बॉक्स, ये हमारा MPG 4 सेट टॉप बॉक्स, ये चलता है ऑडियो वीडियो केबल से, और ये चलता है हमारा HDMI केबल से, ठीक है। तो दोस्तों आज हम दोनों को कनेक्ट करके बताएंगे अपने एलईडी टीवी में, ठीक है। अगर आपके पास भी एक एलईडी टीवी स्मार्ट टीवी है, तो आपने परचेस किया है मार्केट से या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि आप अपने एलईडी टीवी में सेट टॉप बॉक्स रिसीवर किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो आपको स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना। तो सबसे पहले आपको जो अपना टीवी है, तो उस टीवी को आपको ऑन कर लेना। तो दोस्तों जैसे ही हमने इस टीवी को ऑन किया, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना एलईडी टीवी जो कि स्टार्ट कर लेना। तो दोस्तों अभी हमने अपनी एलईडी टीवी को स्टार्ट कर लिया, तो कुछ ही सेकंडों बाद हमारा जो टीवी है वो एलईडी टीवी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी हमारा एलईडी टीवी वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो एंड्रॉयड टीवी लिखकर आ चुका है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सेट टॉप बॉक्स किस प्रकार कनेक्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको, अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते और सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करते हो या फिर कोई भी गलती हो जाती है आपसे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो दोस्तों देखिए, हमारा सेट टॉप बॉक्स फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको करना क्या है। आपको सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो यहाँ पे वो भी चालू है। अगर आपका जो सेट टॉप बॉक्स चालू नहीं है, तो सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स में लाइट दे दीजिए, अगर आपने लाइट नहीं दी, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम सेट टॉप बॉक्स को जैसे कि यहाँ पे ऑन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिमोट से अपने सिक्योर बटन या फिर इनपुट बटन दिया हुआ तो आपको उन बटन को प्रेस करना, ए वाला बटन, या फिर नहीं दिया तो आपको ऊपर जो कॉर्नर पे एक तीर का निशान मिलेगा तो आपको उस तीर के निशान पे क्लिक कर देना एक बार। तो आपको इनपुट बटन पे, आपको इनपुट बटन पे प्रेस करना, और यहाँ पे ऑडियो वीडियो मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, नो सिग्नल, इट्स ऑन सेट टॉप बॉक्स, प्लीज योर डिवाइस ऑन, तो बोल रहा है कि आपका डिवाइस है वो ऑन नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने सेट टॉप बॉक्स को ऑन कीजिए। तो दोस्तों अभी हम सेट टॉप बॉक्स को ऑन करते हैं। तो ऑन करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें लीड किस प्रकार लगी। तो दोस्तों देखिए, ये रही लीड, सबसे पहले आपको दो लीड लगा देना, ऑडियो वीडियो सबसे नीचे लीड लगेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम सबसे नीचे लीड लगाएंगे ऑडियो वीडियो की। तो यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो लीड लगा देना, और आपको एक पोर्ट मिलेगा जो कि आपकी टीवी में होगा ARC केबल के नाम से, तो आपको उस केबल को भी लगा देना। तो दोस्तों देखिए, अभी हम टॉर्च से आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये रहा यहाँ पे वो पोर्ट, तो उस पोर्ट को भी आपको सही तरीके से लगा लेना और देख लेना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वो पोर्ट सबसे नीचे जो कि येलो कलर का है, वो ही पोर्ट है, तो उसी पोर्ट को आपको अच्छे तरीके से लगा लेना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने उस पोर्ट को लगा दिया। लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, आपने सेट टॉप बॉक्स में लाइट देना। तो पावर अभी हम दे देते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स में। तो जैसे ही हमने अपने सेट टॉप बॉक्स में पावर दिया और लीड लगा दी ऑडियो वीडियो, तो हमारा सेट टॉप बॉक्स वो अभी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा सेट टॉप बॉक्स वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम कोई से भी टीवी चैनल चला सकते हैं, लेकिन वो टीवी चैनल नहीं चलेगा। और अगर आपने वो केबल नहीं लगाई, जो DTH की केबल होती है, इस केबल को आपको लगा लेना, ठीक है। सबसे पहले इस केबल को लगाइए। तो इस केबल को लगाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे लगाना है, क्योंकि बहुत सारे भाई इसमें लगा लेते, इसमें लगा ले, कौन से में लगाना, इस वाले ऑप्शन पे लगाना है। और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे ऑडियो वीडियो मिल जाएगी, तो आपको दोनों पे लगाना, ऊपर वाले पे नहीं लगाना। और हमारी केबल जो कि गई, तो वो छतरी में सेट है। छतरी में सेट होने के बाद आपको करना क्या, तो इस केबल को अपने इसमें लगा देना, और आपका
जो टीवी है वो फाइनली ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा टीवी वो कि ऑन हो चुका है और आप कोई से भी टीवी चैनल इसमें चला सकते हो और देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों फिर मिलते कोई ऐसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।